नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी होली का समय चल रहा है। दोस्तों, होली से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी को आज पढ़ाने वाले हैं, यानी स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बताने वाले हैं जो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहता है। जैसे होली क्यों मनाया जाता है, होली आखिर किस किस देश में मनाया जाता है, इस पृथ्वी पर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से होली मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और होली से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। होली की कहानी व होली क्यों मनाई जाती। दोस्तों, यह हेडिंग है। इससे संबंधित बहुत सारे चीज़ आपको इस स्टोरी में मिलेगा देखने के लिए और बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला लाइन जो लिखा है कि हर त्यौहार की अपनी एक कहानी होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी त्यौहार होता है, होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, जो भी होता है, उसकी कोई ना कोई एक बैकग्राउंड होता है, यानी किसी न किसी कारण से ही उस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। वैसा ही एक होली भी ऐसा पर्व है जिसके बहुत सारे कारण हैं जो इस स्टोरी में आपको मिलेगा जानने के लिए। होली भी जो है धार्मिक एक पर्व है, ये भी एक त्यौहार में धार्मिक पर्व कुछ मान्यताओं के कारण ही हम लोग मनाते हैं। जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि होली के पीछे भी एक कहानी है। वो क्या कहानी है, यानी कौन से कारण है जिसके कारण हम लोग होली मनाते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टोरी में आपको मिलेगा जो राजा थे, बहुत ही बड़े तपस्वी होते थे और देवताओं से बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लेते थे और अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानने लगते थे। जब अधिकांश शक्तिशाली मानने के कारण क्या होता था कि वो देवताओं को ही लगते थे अवहेलना करने, देवताओं से ही लगते थे विरोध करने। वैसे ही एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था और देवताओं से घृणा करता था, यानी उसको लगता था कि हम देवता से भी बढ़ के हो गए हैं, और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। देखिए, अब यहाँ तक कि जो सभी देवताओं के भगवान हैं, विष्णु भगवान, उनसे भी उनको भी वो सुनना नहीं पसंद करता था। देखिए कितना वो घमंडी और कितना शक्तिशाली समझता था। लेकिन उसका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका जो पुत्र था प्रह्लाद, वो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु उपासना करने से रोकता था, पर प्रह्लाद एक नहीं सुनता। देखिए दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए, कैसे कैसे एक एक के सेंटेंस को, एक एक शब्द को हम पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हिंदी रीडिंग किया जाता है और इससे आप आसानी से स्टोरी के माध्यम से हिंदी रीडिंग भी सीख जाएंगे और बहुत सारे चीज़ को भी सीख जाएंगे। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था, इस सबसे परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने
एक योजना बनाई। अब क्या योजना बनाई दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका, यानी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका थी, उसके एक वरदान मिला था। होलिका को क्या वरदान मिला था, देखिए, होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, यानी आग में वो नहीं जल सकती है, ये उसको वरदान मिला था। किसे? हिरण्यकश्यप की बहन को, जिसकी नाम थी होलिका। उसे अग्नि जला नहीं सकती, को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति, यानी उसका भगवान कौन था, विष्णु, उसके भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी। देखिए, होलिका को वरदान मिला था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती, लेकिन जलने लगी। अब क्यों जलने लगी, आगे हम लोग देखेंगे। और आकाशवाणी हुई जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जल कर राख हो जाएगी। देखिए, किसी भी वरदान का दुरुपयोग करने से उसका दुष्परिणाम ही मिलता है, और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जल कर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अब तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि होलिका दहन हम लोग क्यों करते हैं। होली के पहले जो होता है तो यही होलिका के नाम पर ही मनाया जाता है, यानी होलिका जब जल गई थी उस दिन तो सभी लोग, प्रजा खुशी मनाए थे, तो उसी तरह हम लोग भी उसी के अनुसार, उसी तरह से हम लोग बहुत सारा लकड़ियाँ इकट्ठा करके और होलिका के रूप में ही होलिका को हम लोग जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, और उसके अगले दिन होली हम लोग खेलते हैं। चलिए इसके आगे और हम लोग देखते हैं। और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते हैं। अब कैसे मनाते हैं हम लोग होली, ये चीज़ देखेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, कहानी है कह सकते हैं इसको, इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको जानकारी के लिए मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं, बिना वीडियो के स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तो आपका क्लियर हो गया कि होली का त्यौहार जो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक कि मैं जो हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा घर बिहार में है, यानी हम लोग उत्तर भारत से ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के यहाँ बहुत ही
उत्साह हर्षोल्लास के साथ हम लोग के यहाँ होलियाँ मनाई जाती है। और बगल में यूपी है और सब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ही खुशी के साथ होलियाँ मनाई जाती है। यानी उत्तर भारत में जितने भी लगभग राज्य हैं बहुत अधिक मात्रा में लोग मनाते हैं और भी पूरे भारत में भी मनाया जाता है। होली का त्यौहार देखने के लिए लोग ब्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं। इन जगहों पर यह त्यौहार कई दिनों तक मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे जगह पर मात्र ये 2 से 3 दिन मनाया जाता है, जैसे होलिका दहन के दिन और उसके अगले दिन। और ऐसे तो लोग लगभग 1 माह पहले से ही बहुत ही उत्साह के साथ अपना होली खेलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर 2 दिन ही मनाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे जगह है जैसे वृंदावन और भी बहुत सारे जगह आप देखें, गोकुल, ब्रज, यहाँ पे लगभग कई दिनों से लगातार होलियाँ खेली जाती हैं। अलग अलग तरह से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे दूर दूर से लोग देखने भी जाते हैं, मनाने भी जाते हैं। आगे अब देखेंगे हम लोग ब्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया कि ब्रज में एक प्रथा है कि पुरुष को जो महिलाएं हैं वो डंडे से मारती हैं और जो पुरुष होते हैं वह बहुत ही खुश होते हैं और वैसे ही वे अपना मिलजुल कर होली मनाते हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं, इसके देखने लोग बहुत ही दूर दूर से उत्तर भारत में आते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली भी मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाया करते हैं। दोस्तों ये हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे से जगह है, हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लगभग लोग रंग गुलाल और बहुत सारे लोग तो गोबर मिट्टी से भी खेलते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग ही लोग अपना ज़्यादा किसानी है तो वो आसानी से उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे से जगह है जहाँ पे लोग फूलों से होली खेलते हैं। कितना सुंदर दृश्य वहाँ का होगा जब लोग फूलों से होली खेलते होंगे, एक दूसरे पर फूल फेंकते होंगे और कितना सुंदर वहाँ का दृश्य होगा। दोस्तों आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगता होगा, लगेगा अगर आपके सामने ऐसा होगा या आप अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो मेरे कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पे होली मनाया जाता है। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है, होली है भाई, होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है। यानी मध्य भारत में एक जगह है इंदौर, वहाँ का जो होली होता है वहाँ पे लोग इसको गैर के नाम से
जाने जाते हैं, गैर के नाम से कहते हैं और गैर के रूप में पंचमी के दिन होली मनाते हैं, जिसमें पूरा इंदौर शहर निकलता है और नाचते गाते त्यौहार का लिया जाता। इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारियां की जाती है, यानी इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से तैयारियां वहां पे की जाती है। कहाँ पे? इंदौर में, जो मध्य भारत में पड़ता है। अब इसको कब मनाया जाता है और किस किस नाम से इसको जाना जाता है, दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। रंगों के इस त्यौहार को फाल्गुन महोत्सव, यानी फाल्गुन महोत्सव के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसमें पुराने गीतों को ब्रज की भाषा में गाया जाता। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है, यानी भांग का जो पत्ता होता है ना, यह भी होली का विशेष भाग है। अब इसका क्या किया जाता है ये देखिए आगे। नशे के मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले लगते, सारे गीले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। सभी एक दूसरे से मिलजुल कर नाचते गाते हैं। जितने भी एक दूसरे से कोई भी अगर बात बिगड़ा हुआ रहता है, गिला सिकुआ जो भी रहता है, सब भुला कर लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। और भांग का जो पत्ता होता है उसका लोग ये बनाकर, क्या बोलते हैं, घोल बनाकर और दूध के साथ और बहुत सारे चीज़ के साथ मिलाकर पीते हैं, उससे नशा लगता है। और पकवान में क्या क्या लोग खाते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। होली पर घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद से भरे हमारे देश में हर त्यौहार में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। अब होली में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि होली में कैसे सावधानियां रखकर होली भी करना। देख, किसी भी महोत्सव को आप मनाते हैं तो कुछ प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना ना आप उत्साहित होकर किसी भी महोत्सव को मनाने लगे कि आपको वो घाटा करने लगे या किसी को भी नुकसान उससे हो जाए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए आगे हम लोग कुछ सावधानी को देखेंगे। होली रंग का त्यौहार है पर सावधानी से मनाया जाना जरूरी है। आजकल रंग में मिलावट के कारण कई नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए गुलाल से होली मनाना ही सही होता है। ये पहला, गुलाल से ही होली आप मनाइए, बहुत ही बहुत सारे कलरफुल गुलाल का यूज कीजिए, रंग से बहुत बेहतर होता है। दूसरा है, साथ ही भांग में भी अन्य नशीले पदार्थों का मिलना भी आम है। भांग में भी लोग बहुत सारे नशीले पदार्थ को मिला देते हैं, इसलिए भांग से भी बचना चाहिए। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, नशीली पदार्थ से भी बचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक नशा में होंगे तभी आपको मस्ती का, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग नशा नहीं करते हैं फिर भी अपना खाते पीते खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तीसरा है दोस्तों, गलत योग से आँखों की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए रसायन मिश्रित वाले रंग के प्रयोग से बचें। घर से बाहर बनी कोई भी वस्तु खाने से पहले
सोचें, यानी घर से बाहर कोई भी कुछ भी आपको मिलाकर खिला सकता है, इससे बचना चाहिए। मिलावट का खतरा त्यौहार में और अधिक बढ़ जाता है, मिलावट का खतरा त्यौहार में ही बढ़ जाता है। पांचवा क्या है दोस्तों, सावधानी से एक दूसरे को रंग लगाएं। ऐसा नहीं कि किसी की आँख या किसी का कुछ भी नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई ना चाहे तो ज़बरदस्ती ना करें। होली जैसे त्योहारों पर लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगा है। तो दोस्तों होली के ही आड़ में बहुत सारे लोग दुश्मनी निभाने लगते हैं, तो इसलिए इससे भी आपको बचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, लास्ट में जाते जाते एक दो आपको शायरी सुनाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये होली के समय है, थोड़ा सा लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए, सो मैंने एक ये होली से ही संबंधित एक स्टोरी को पढ़ाया है और विश्वास है कि होली के बाद सब लोग रेगुलर हो जाएंगे तो पूरे मेहनत के साथ बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आपके लिए आएंगे और बहुत सारे चीज़ों को पढ़ाएंगे। जैसे हिंदी रीडिंग है, हिंदी से संबंधित बहुत सारे चीज़ है, इंग्लिश रीडिंग है, इंग्लिश पढ़ना लिखना, हिंदी पढ़ना लिखना, मैथ, ये सब बहुत सारे चीज़ मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों कुछ शायरी को हम लोग देख लेते हैं। रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्यौहार है होली। गीले शिकवे भुलाकर खुशियां मनाने का त्यौहार है होली। दूसरा शायरी है दोस्तों, रंगीन दुनिया का रंगीन पैगाम है होली। हर तरफ यही धूम है मची, बुरा न मानो होली है भाई, होली है। तो चलिए आज के वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।